हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ निशा। तो आज एक जर्नी पर चलें, चलिए मेरे साथ चलिए एक जर्नी पर। और हम कहीं पहाड़ों पर घूमने नहीं जा रहे हैं, हम किसी बीच पर घूमने नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं अपने ह्यूमंस की जर्नी पर कि हम लोग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग की कहाँ से लाइफ स्टार्ट हुई, वहाँ से आज के मॉडर्न एरा तक हम कैसे पहुँचे। एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वंडरफुल बुक सेपियंस। बहुत ही पॉपुलर बुक है ये, बहुत लोगों ने इसे पढ़ा है, बहुत लोगों ने इसे एडमायर किया है। एंड ये बुक जो है, इट्स वर्थ द हाइप। इस बुक के ऑथर हैं नोवेल हरारी एंड इट्स अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। इस बुक में, मोटी बुक है, हालांकि आप देख के इसको डरना नहीं है, इट कंटेन्स 465 पेजेस एंड स्लो रीड है बट इंटरेस्टिंग है। इट विल कैप्चर योर इंटरेस्ट, इट विल गिव यू डिफरेंट काइंड ऑफ इंसाइट्स। बहुत अलग आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव्स देखने को मिलेंगे इस बुक को रीड करते हुए। थ्रू आउट द बुक आपको अलग अलग एराज देखने को मिलेंगे। यू कैन इमेजिन योर सेल्फ कि एक ऐसी बुक जिसमें बिल्कुल बिगनिंग से, स्टार्टिंग से, कि हम जब एनिमल्स थे, सेपियंस की वो वाली जो स्टेज थी, वहाँ से लेकर आज तक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन तक की सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो डेफिनेटली इंटरेस्टिंग बुक है, यू मस्ट गिव इट ए ट्राई अगर आप हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप ह्यूमन काइंड के बारे में जानना चाहते हैं कि हम लोग कैसे इवॉल्व हुए, कैसे हम लोगों ने कितना कुछ सीखा, कितना कुछ चेंज हुआ और उसका हमारी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट है। पूरी एनालिसिस इसमें दी गई है। इट्स ब्रीफ बट इट्स कैप्टिवेटिंग। तो बेसिकली इस बुक को चार मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन, सेकेंड इज़ एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, थर्ड इज़ यूनिफिकेशन ऑफ ह्यूमन काइंड एंड फोर्थ इज द साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पार्ट, कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन। कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन में हमें ऑथर ने बताया है प्रिमिटिव जो ह्यूमन्स थे वो कैसे थे और उनकी कौन कौन सी स्पीसीज थी, उन सब स्पीसीज में से होमोसेपियंस कैसे उनसे ऊपर उठकर आए और कैसे बाकी सारी स्पीसीज जो थी वो एक्सटिंक्ट हो गई एंड हम लोग बचे, हमारे जो एंसेस्टर्स या कह सकते हैं वो लोगों ने कैसे सर्वाइव किया और किस तरह का उनका लाइफस्टाइल होता था। सबसे मेन चीज़ जो कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन में आती है, जो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, वो है कि हम लोगों ने लैंग्वेज को सीखा, अपने थॉट्स को कम्युनिकेट करना सीखा, मिथ्स बने, बहुत सारी चीज़ें थी जिनको हमने शेयर करना सीखा और हमारी जो एक्सपीरियंसेस थे, जो लर्निंग्स थी, वो हम एक दूसरे से शेयर कर पाते थे बिकॉज ऑफ दैट लैंग्वेज। और उस लैंग्वेज की डेवलपमेंट के कारण आज हम बाकी सभी स्पीसीज से कितने अलग हैं। यही वो टाइम था जब हमारे एंसेस्टर्स ने ग्रुप्स बनाने स्टार्ट किए, ग्रुप्स में रहना स्टार्ट किया और ग्रुप्स में रहकर वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की नीड के कारण ही लैंग्वेज का स्टार्टिंग हुआ था। इसी पार्ट में ऑथर हमें बताते हैं कि किस तरह से हमारे जो कॉमन बिलीव्स हैं, हमारा बिलीफ सिस्टम है, या ये बिलीफ सिस्टम चाहे किसी मिथ को लेकर हो, रिलीजन को लेकर हो या पैसे को लेकर हो, जो हमारी कॉमन सोच होती है बहुत सारे लोगों की, तो वो हमारी सोशल स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है, डिज़ाइन करती है। क्योंकि हम सब लोग जिस पर्टिकुलर मिथ पर बिलीफ अपना या किसी पर्टिकुलर चीज़ पर अपनी सोच को टिका लेते हैं, उसे हम सच मानने लग जाते हैं चाहे वो सच हो या ना, और उसी सच को मानते हुए हम अपनी लाइफ को डिज़ाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। इट्स ऑल अबाउट कि हम किस चीज़ को सही मानते हैं। सेकंड पार्ट जो है इसका, उसमें ऑथर ने एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन की बात की। एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन ने बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले किया है कि हमारे एंसेस्टर्स ने कैसे अपनी लाइफ को चेंज किया। क्योंकि पहले वो हंटर गैदर की तरह लाइफ जीते थे कि एक तरह से शिकार किया, खाया बस, तो मतलब उनको अपनी हर मील के लिए जो है एनिमल्स की तरह हंट करना पड़ता था। उसके बाद जब उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया तो उन्हें फूड मिलने लगा और वो फूड को वो स्टोर कर सकते थे, अब स्टोर कर सकते थे और उस क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए एक पर्टिकुलर जगह पर उन्हें स्टेबल भी रहना पड़ा। वो एक जगह से दूसरी जगह कंटिन्यूस मूव नहीं कर रहे थे तो उन्हें सेटल होना पड़ा। अब वो सेटल हुए हैं तो सेटल होने के बाद उनका जो वर्कलोड है वो बढ़ गया है और वो सेटल होने के बाद वो जो सोसाइटी उनकी है वो बिल्टअप हुई है, एक साथ उन्होंने रहना सीखा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करना सीखा है। बट वहीं पर बहुत सारे उनको चैलेंजेस भी फेस करने पड़े थे, डिजीज़ आई थी, मेल न्यूट्रिशन आया था, क्योंकि जब हंटर गैदर थे तो वो बहुत सारी अलग अलग तरह की चीज़ें खाते थे। अब अगर कोई क्रॉप उन्होंने कल्टिवेट करनी स्टार्ट किए हैं तो वो पर्टिकुलर उस एरिया में जो क्रॉप कल्टिवेट कर रहे हैं उसी को वो खा रहे हैं, तो उससे फिर न्यूट्रिशंस की कमी भी होने लगी थी।
तो बहुत सारे चैलेंजेस भी उन्होंने फेस किए, बहुत उनकी सोसाइटी में चेंजेस भी आए, उनकी जो सोसाइटीज़ एम्पायर सिटी ये सब कुछ बिल्डअप हुआ, ये डेवलपमेंट हुई एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन आने के बाद ही। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में ह्यूमंस की यूनिफिकेशन के बारे में बात की गई है। अभी तक हमारे एंसेस्टर्स ने जो कुछ सीखा उसके बेस पे उन्होंने सोसाइटीज़ बनाई, सिटीज़ बनाई, एम्पायर्स बनाए, बट अब वो एम्पायर्स अपने आप में खुश नहीं थे कि हम इन्हीं बाउंड्रीज में रहें। दे वांटेड टू एक्सप्लोर आउट, दे वांटेड टू लर्न द थिंग्स एंड दे वांटेड टू अर्न मोर मनी। बहुत सारे फैक्टर्स थे, चाहे वो पैसा है, चाहे वो बिजनेस है, जिन्होंने ह्यूमंस को इवोक किया कि वो बाहर निकलकर, अपनी बाउंड्रीज से बाहर निकलकर दूसरे एम्पायर्स में जाएं या दूसरी सेटलमेंट्स में जाएं। तो इसलिए फिर ये एक अलग तरह का रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया, जहां पर बेसिकली तो लोग कुछ एक्सप्लोर करने के लिए या कुछ पैसा कमाने के लिए, कुछ अपना बिजनेस सेटल करने के लिए बाहर निकले, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, बिजनेस के नाम पर आई थी, बट इन्होंने पूरे वर्ल्ड को ऑलमोस्ट अपने अंडर ले लिया था। और ऐसे ही बहुत सारे एक्सप्लोरर्स निकले थे, वास्को डी गामा जैसे निकले थे। तो ये एक्सप्लोरेशंस एंड एम्पायर्स को दूसरों को अपने अंडर लेना, ये सारे काम जो हैं ये इस टाइम पर हुए। उनका रिजल्ट क्या निकला कि एक कल्चर दूसरे कल्चर में मिंगल हो गया, एक कल्चर ने दूसरे कल्चर से सीखा, वो एक दूसरे में मर्ज हुए हैं। अलग अलग सोसाइटीज़ अलग अलग वर्ल्ड के पार्ट में रह रही थी, उनका पर्टिकुलर वे ऑफ लिविंग था या थॉट प्रोसेस था, उनका कल्चर था, उनका रिलीजन था, वो स्प्रेड आउट हुआ बाहर। अब इसके तीन तरीके थे जिससे ये चीज़ें स्प्रेड हुई या जिन डिज़ायर्स के कारण स्प्रेड हुई। इट वॉज द नीड ऑफ एक्सप्लोरेशन, इट वॉज द नीड ऑफ मनी, इट वॉज द नीड ऑफ स्प्रेडिंग आवर रिलीजियस बिलीफ। तो इन सब चीज़ों के कारण क्या हुआ कि एक तरह से अगर देखा जाए तो ह्यूमंस यूनिफाइड हुए हैं। आप अलग अलग छोटे 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 से जो सोसाइटीज़ थी वो सब एक बड़े एम्पायर के अंडर आने लगी। फोर्थ इज साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। ये पिछले 500 ईयर्स की जर्नी है जिसमें कि साइंटिफिक रिवॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हुआ है, जिन्होंने हमारी लाइफ को मेजरली बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट किया है। अब ये जो सारी इन्वेंशंस हैं, ये इन्वेंशंस हुई तो हैं हमारे डेवलपमेंट या ग्रोथ के लिए, बट क्या इनका सच में हमारे डेवलपमेंट और ग्रोथ पर इफ़ेक्ट आया है? क्या सच में ये हमारी लाइफ को ईजी कर पाई है या और कॉम्प्लिकेट कर लिया है? आप एक फ़ोन को ही देख लीजिए, ये फ़ोन का डिज़ाइन किया गया था कि सो दैट वी कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, बट आज इस फ़ोन ने ही हमारी लाइफ को बहुत बिजी और बहुत टफ़ कर दिया है। इस फ़ोन के कारण ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं। साइंटिफिक रिवॉल्यूशन का बहुत बड़ा कारण है ग्लोबल ग्रोथ, या आप फाइनेंशियल ग्रोथ कह लीजिए, या ग्लोबली लोग एम्पायर्स जो हैं, कंट्रीज जो हैं, वो अपने आप को डोमिनेट करने के लिए नई नई साइंटिफिक डिस्कवरीज करती जा रही हैं। दिस कनेक्शन बिटवीन द साइंस, द इकोनॉमी एंड द पॉलिटिक्स, ये तीनों चीज़ें मिलकर हमारे जो मॉडर्न इरा है इसको डिफाइन करती हैं। इस पूरी बुक को रीड करते हुए आपको बहुत सारे ब्रेनस्टॉर्मिंग के ऑप्शंस मिलेंगे। इतना सब कुछ चेंज होने के कारण अगर आप कंक्लूड करना चाहें, अब आप ये सोच लीजिए, आज के टाइम पे जो ह्यूमन बीइंग है, इट वाज जस्ट अ मेयर एनिमल एट द वेरी बिगनिंग, एक एनिमल की तरह ही थे, बट इतनी डेवलपमेंट हुई, इतना सब कुछ चेंजेस हुआ है ओवर सच ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और उस डेवलपमेंट के बाद एट प्रेजेंट वी आर थिंकिंग आवर सेल्फ एज गॉड्स। हमें लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, बट इतनी पावर हमारे पास है, उस पावर का यूज़ क्या है? क्या हमने इस पावर को अपने प्लेनेट को और पीसफुल और लविंग बनाने के लिए यूज़ किया है? इट्स वर्थ थिंकिंग कि हमारे पास इतनी पावर होते हुए, हमारे पास इतना ब्रेन होते हुए, क्या हम उसको सही से यूज़ कर रहे हैं? वट इज़ द वर्थ ऑफ अर्निंग दिस मनी, वट इज़ द वर्थ ऑफ दिस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? आप अपने प्लेनेट की हालत देखिए, आप अपनी हालत देखिए, आप वेदर की कंडीशन देखिए, किस तरह से सब कुछ चेंज हो चुका है। किसी भी चीज़ का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है जो हमें इमीडिएट उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर नज़र नहीं आता है, बट अगर हम उसको बहुत लंबी सी सीरीज़ में देखेंगे तो वो हमारे जो छोटे छोटे एक्शंस होते हैं उनका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है। यही हमारे इस सेपियंस की जो जर्नी है, इस बुक को रीड करके भी हमें समझ में आएगा कि हम लोग क्या सोचते हैं, क्या करते हैं और क्या हमारी लाइफ में होता है। एवरीथिंग इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल। डू शेयर योर एक्सपीरियंस इफ़ यू हैव ऑलरेडी रीड दिस बुक, एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो।
विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप रीडिंग, कीप लर्निंग. बाय बाय, टेक केयर.